जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग हाई स्कूल पास हैं और आप लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में मतलब एयरपोर्ट में या फिर एयरलाइंस में बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतने समय बहुत ही दबा के बिल्कुल धड़ाधड़ वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। इसलिए दोस्तों लूट मची है, अगर आप लोग लूट सकते हैं तो लूट लीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आपको नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपकी बेहतर जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी रिसेंटली बनके तैयार हुआ है। वहां पे बहुत अधिक मतलब संख्या में मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहे कि थोड़े पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पदों की संख्या आपकी सोच से भी ज्यादा है। इसलिए दोस्तों रिसेंटली अभी मैंने एक दो वीडियो पहले ही बनाए थे जो कि सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी से रिलेटेड थे। तो उसमें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा हायर मांगी गई थी, मतलब ग्रेजुएशन मांगा गया था। अब बात आती है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं, जो केवल हाई स्कूल पास हैं और वो लोग सपना देख रहे हैं एयरपोर्ट पे काम करने का, तो उनके लिए आज की वैकेंसी बहुत ही अच्छी बैठने वाली है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप लोगों को पूरी सही एवं सटीक जानकारी मिल सके और आप लोग इस वैकेंसी के लिए आसानी से अप्लाई कर सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की इस वैकेंसी में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा, यह वैकेंसी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों आज की इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के आधार पर मिलेगा और आप लोगों का सपना एयरपोर्ट पे काम करने का पूरा हो सकता है। आज की वैकेंसी में उन लोगों का सपना पूरा होने वाला है जो लोग एयरपोर्ट पे एज अ ऑपरेटर मतलब ड्राइवर के तौर पर नौकरी करना चाहते हैं, या फिर आप कम पढ़े लिखे हैं, आप लोग लोडर या क्लीनर की वैकेंसी ढूंढ रहे हैं, तो आज की वैकेंसी आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके, सही गाइडिंग के साथ वो लोग सिलेक्शन आसानी से पा सके। और दोस्तों इस वैकेंसी में अप्लाई करते समय आप लोगों को एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको दलालों से बच के रहना है, किसी भी फ्रॉड आदमी के चक्कर में या किसी फ्रॉड कंसल्टेंसी के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं आप लोग उस तरीके से अप्लाई करें, और जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा उस तरीके से आप लोग उसको सुने देखें और आप लोग उसके इंटरव्यू में जाए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत होगी तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की जो वैकेंसी है AI सेट्स द्वारा निकाली गई है। इसका पूरा नाम एयर इंडिया सेट्स है। दोस्तों यह कंपनी टाटा का पार्ट है, इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे कि यह कोई ऐसी वैसी वैकेंसी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जहां पे टाटा का हाथ होता है तो वहां पे विश्वास और काम हर चीज अच्छा ही होता है। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर इसके इंटरव्यू में जाए, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। अगर बात करें वैकेंसी की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें दो प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है, एक इक्विपमेंट ऑपरेटर जिसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं, एक वर्कर जिसको हम लोग हेल्पर या फिर लोडर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की वैकेंसी है। और इसमें दोस्तों बात करें योग्यता की, तो जो लोग लोडर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप हाई स्कूल पास हो प्लस आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना अनिवार्य है। इस चीज को ध्यान रखें, अगर आप लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। अब आगे इसमें बात करते हैं एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में एज के लिए कोई भी बात नहीं करी है, इसलिए इसमें दोस्तों एज की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आपकी एज कितनी भी हो, अगर आप लोग एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जाके इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं, और अगर आप काबिल हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। अब बात आती है कि आपको इसमें आवेदन कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें तो बता दी, मगर आप आवेदन कैसे करेंगे, तो फाइनली जो इस वीडियो का सबसे मुख्य पार्ट है वो यही है। तो यहाँ पे आप लोग चीजें ध्यान से सुने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो रजिस्ट्रेशन लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यह वीडियो जब मैं अपने YouTube चैनल पर डालूंगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के साथ में अप्लाई लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहां पे जाके अप्लाई लिंक देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को स्क्रीन पे जो स्कैन बार दिख रहा है आप लोग इस स्कैन बार को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके प्राप्त कर सकते हैं, और इसको आपको गूगल लेंस की सहायता से स्कैन करना है तो वहां से भी आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तीन तरीके से आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दूसरा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, तीसरा आप लोग इसको स्कैन करके इसका अप्लाई लिंक पा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोग उसके इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए बिना आप लोग उसके इंटरव्यू में मत जाना, अदरवाइज आपको इंटरव्यू देने के लिए नहीं मिलेगा। इसका बिल्कुल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बिल्कुल ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं बनना है, सिर्फ बेसिक डिटेल्स है आपको वही भरनी है, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बस थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं वो आपको डाल देना है। अगर आपको समझ में आए तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों इसका इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें आपको मतलब कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, जब बस आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है और अगर आपके पास कोई ईमेल रिवर्ट आती है तो आप लोग उस ईमेल को लेके चले जाना, अदरवाइज आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका नाम पता वहां पे पहुंच जाएगा उनके पास, उसके आधार पर आप लोग वहां पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, इसके पहले जो भी सिक्योरिटी स्कीनर की वैकेंसी निकली थी उसका 17 अप्रैल को इंटरव्यू रखा गया था, मगर उसमें काफी सारे कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया है, तो एक दिन सभी कैंडिडेट का मतलब इंटरव्यू करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो आपको मेल भी भेज रहे हैं कि आप लोग मेल देखिए, आपको मतलब बाद में बुलाया जा सकता है या पहले ही बुलाया जा सकता है, वन बाय वन कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लगभग 24 घंटे बाद आपको एक मेल भी मिल सकती है जिसमें आपकी इंटरव्यू डेट अलग भी हो सकती है, जैसे कि इसमें 19 अप्रैल को भी इन्होंने बुलाया है, मगर अगर ज्यादा कैंडिडेट अगर वहां पर पहुंचते हैं तो आपकी जो इंटरव्यू की डेट है थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, इसलिए आप लोग पैनिक क्रिएट मत करना, ठीक है। अगर आपको ईमेल आ जाए तो आप लोग उसकी ईमेल के हिसाब से जाना, अगर आपको ईमेल नहीं आती है तो फिर आप लोग 19 अप्रैल को पहुंच के अपना वॉक इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जब आप इसके वॉक इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो सबसे पहले आपका रिज्यूम होना चाहिए जिसको हम लोग सीवी बोलते हैं, उस सीवी में आपकी सारी डिटेल होनी चाहिए, जैसे आपका नाम पता कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी पढ़ाई करी, कोई अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अपना आधार कार्ड लेके जाए, पैन कार्ड लेके जाए और अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब हाई स्कूल तक के भी अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाए, और जो लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग अपना डीएल की फोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी जरूर लेके जाए। दोस्तों अगर आप लोग इसके इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में कैरी जरूर करें, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसके डॉक्यूमेंट्स की, बाकी मैं आपको बता दूं जब आप इसके अलावा आपको मैं बता दूं, आप जब इसमें अप्लाई करेंगे इसमें आपकी कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज या कोई फीस आपकी अभी फिलहाल नहीं लगेगी। अब आगे बात आती है कि इस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू कहाँ पे है, कैंडिडेट कहाँ पे जाए जहां पे उनका इंटरव्यू होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप लोग 19 अप्रैल 2024 को ALTF को वर्किंग प्लॉट नंबर 21 एंड 21A सेक्टर 142 नोएडा नियर मेट्रो स्टेशन सेक्टर 142 नोएडा, ठीक है। अगर आपको ये पता यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पते पर 19 अप्रैल 2024 को जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आपको कोई ईमेल प्राप्त होती है तो आप लोग ईमेल में अपना एड्रेस वगैरह देख लेना, अगर नहीं मिलती है तो आप लोग 19 अप्रैल को बेधड़क होकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस पते पर पहुंच जाना, आपका इंटरव्यू वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं आज की जो वैकेंसी डायरेक्ट एयर इंडिया सेट्स द्वारा निकाली गई है, AI सेट्स द्वारा निकाली गई है, कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे जाएंगे, या प्राइवेट जॉब है बट परमानेंट जॉब है, इसमें सैलरी वगैरह आपकी अच्छी रहेगी, नो डाउट, इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी आपकी अच्छी है इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। और दोस्तों इसमें कोई हाइट या वेट का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि कई कैंडिडेट परेशान होने लगते हैं कि हाइट कितनी चाहिए इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं। जो भी किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में इन्फॉर्म कर देता हूँ, मगर कई लोग होते हैं उनमें कई उमंगे हैं जगती रहती हैं, मतलब है ना अंदर से कई चीजें उफान मारती रहती हैं, तो आप लोग उनके लिए परेशान मत हुआ करें। जो चीजें अगर रिक्रूटमेंट से संबंध अगर इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में इस वीडियो में जिक्र में जरूर करता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और भी डाउट रहे तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों के अगर जनरल कमेंट होंगे तो जवाब उनके जरूर दूंगा। और दोस्तों ये मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो वैकेंसी है कार्गो हाउस के लिए निकाली जा रही है। कार्गो हाउस का मतलब वो होता है जहां पे मतलब कोई सामान आता है, वहां पे पैसेंजर हैंडलिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। जो कार्गो वेयर हाउस होते हैं जहां पे जो जहाज में सामान जाता है उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, तो वहां पे आपको ड्यूटी लगेगी, वहीं पे आपको अपनी जॉब प्रोफाइल सारी परफॉर्म करनी है। इसके अलावा आपको टर्मिनल में काम करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों कार्गो हैंडलिंग के लिए जो वैकेंसी हो रही है, ठीक है। इसके पहले जो सिक्योरिटी की वैकेंसी निकली थी वो भी कार्गो के लिए थी, और ये जो वैकेंसी है आज की ड्राइवर प्लस लोडर की, ये दोनों कार्गो हाउस के लिए ही निकाली गई है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपके इस भर्ती से संबंधित सारे डाउट्स दूर कर दिए हैं, बाकी अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके और उनको रोजगार मिल सके। तो दोस्तों आज की इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।